गुड मॉर्निंग बाबू। चलिए एक बार ये बता दीजिए, क्या साउंड क्लियर है? साउंड और वीडियो क्लियर है बाबू? एक बार फटाफट कमेंट कर दीजिए। यस सर, साउंड एकदम क्लियर है। यस सर, क्लियर है। चलिए ठीक है बाबू, तो फटाफट आप लोग लिंक भी शेयर कर लीजिए अपने फ्रेंड में, ताकि क्लास शुरू कर सकते हो ना। आप लोग अपने फ्रेंड के पास फटाफट लिंक शेयर कर लीजिए। यस सर, क्लियर है। अस्वीकार्य नो सर। क्या हुआ जी? सर 12th को नहीं पढ़ाते हैं? हाँ बाबू, 12th को पढ़ाते हैं। शाम 7 बजे 12th को पढ़ाते हैं। विकास जी, 12th का बैच बाबू इवनिंग में 7 बजे चलती है और सुबह में 7 बजे से 11 के बैच चलती है। सर बोर्ड क्लियर नहीं है। वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, क्लियर हो जाएगा बाबू। आप वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, क्लियर हो जाएगा। हाँ बाबू, 12th का भी यूट्यूब पर ही चलता है। 12th का यूट्यूब पर ही चलता है, बट लिंक को शेयर करते हैं है ना, उसमें वीडियो प्राइवेट अनलिस्टेड रहता है। 12th का क्लास वही कर सकते हैं जिनके पास लिंक जाता है। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। सर लाइट कम कर दीजिए, लाइट कम कर दें बाबू। किस चीज़ का लाइट कम कर दें हीरो? ऐसा होता है, नहीं क्लियर दिख रहा है तो हम स्क्रीन का लाइट ही बढ़ा देते हैं है ना। ट्वेल्थ का क्लास करना है तो हमें संपर्क कीजिएगा, हमें कांटेक्ट कीजिएगा आप। क्या अब क्लियर है? स्क्रीन लाइट बढ़ा दिए हैं, बता दीजिए क्या अब क्लियर दिख रहा? हाँ एकदम क्लियर हो गया अब। चलिए ठीक है, अब ठीक है। हाँ बाबू ठीक है। अब जिनको 12th का क्लास करना है वो हमसे संपर्क करेंगे है ना। तो बाबू आज की क्लास अब शुरू करते हैं है ना। हम लोग पढ़ रहे थे क्या, द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा हम लोग का क्या चल रहा है। द लिविंग वर्ल्ड, द लिविंग वर्ल्ड है ना बुआ? चलिए सही है, द लिविंग वर्ल्ड दिख रहा है ऊपर तक, देख लेते हैं। चलिए ठीक है, दिख रहा है द लिविंग वर्ल्ड चल रहा है ना। देखते हैं, द लिविंग वर्ल्ड में हम लोग का 2 लेक्चर हो चुका है, जिसमें हम लोग कुछ कुछ पढ़ चुके हैं और हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं है ना। हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड है ना। हम लोग यहाँ तक स्टडी कर चुके हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड है ना, यानी कि सजीव जगत में विविधता, यहाँ तक हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं और नामन के लेक्चर भी पढ़ चुके हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम आप लोग के लिए रिवीजन कर देते हैं और यहाँ हम PDF शो कर दिए हैं, ताकि आप लोग अपने कॉपी में आराम से राइट डाउन कर सकें, आप अपने कॉपी में नोट कर सकें है ना। क्योंकि कुछ लोग कॉल करके बोल रहे थे सर कॉपी में बहुत कम चीज़ लिख पाते हैं, नोट नहीं कर पाते हैं है ना, तो इसके लिए हम आप लोग के लिए व्यवस्था कर चुके हैं, आप लोग आराम से अपने कॉपी में राइट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिएगा फिर से रिवीजन इस पॉइंट को हम कर दे रहे हैं, सजीव जगत में विविधता है ना, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। करा पृथ्वी पर बताए थे हम, पृथ्वी पर अर्थ पर कितना, तो 1.7 से 1.8 मिलियन ज्ञात जीव है ना,
मतलब कि अर्थ पर हमारे पृथ्वी पर कितना जीव है, तो 1.7 से 1.8 मिलियन जीव हैं, है ना। फिर कह रहा नए जीव भी खोजे जा रहे हैं, है ना। तो इतना जीव है, इसके बावजूद भी नए नए जीवों का खोज हो रहा है, और सर्च के दौरान, है ना, जब खोज होता है तो नए नए जीव भी मिलते हैं, है ना, और हमेशा मिलते रहते हैं, जिसे कुछ समय के बाद जब उसका जाति, वंश, कुल, गण पता लगाया जाता है, तो फिर उसको क्या किया जाता है, किसी जीव में, किसी वर्ग में, किसी स्पीशीज के जाति में उसको शामिल कर दिया जाता है, जिस प्रकार से उसका बिहेवियर रहता है, जो कि आगे हम बताने जाने रहे हैं, है ना, आगे हम बताएंगे उसको। करा इतनी बड़ी संख्या में, है ना, अव्यय अस्पष्ट नामों तथा उचित वर्गीकरण के बिना नहीं किया जा सकता है। मतलब कि इतनी बड़ी संख्या में कोई भी जीव है, अब कोई भी जीव 1.7 से 1.8 मिलियन में है, इतना संख्या है, क्या ये सबका स्टडी, ये सबका अध्ययन, है ना, ध्यान रखिएगा, ये सबका स्टडी कर पाना इतना आसान हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। जितना वो ये जीव है 1.7 से 1.8 मिलियन, इतने सारे जीवों को हम ज्ञात नहीं रख सकते हैं, मतलब कि हमें याद नहीं रहेगा। इतना सारा जीव को याद करेंगे तो आगे याद करेंगे, पीछे से भूल जाएंगे, ये स्वाभाविक चीज है ना। तो इसके लिए क्या किया गया है, उचित वर्गीकरण के बिना नहीं याद कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या किया गया है, वर्गीकरण किया गया है, मतलब कि जितना भी जीव है 1.7 से 1.8 मिलियन जो जीव है, ये सभी को क्या किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। क्या किया गया है, वर्गीकरण किया गया है ना, जो कि इसके बाद वर्गीकरण ही बताएंगे। देखिएगा वर्गीकरण किसको कहेंगे, आगे बताएंगे, है ना। कह रहा है नोमेनक्लेचर, क्या कह रहा है, नोमेनक्लेचर, है ना, नोमेनक्लेचर जिसको कहते हैं क्या, वर्गीकरण, क्या कहते हैं, वर्गीकरण, क्या कहते हैं, वर्गीकरण। तो कह रहा है नोमेनक्लेचर में होता क्या है, नोमेनक्लेचर प्रत्येक व सभी जीवधारियों को सही विशिष्ट विभेदीकृत नाम प्रदान करता है, है ना। ऊपर कह रहा था कि 1.7 से 1.8 मिलियन जीव हैं, जिसे याद रख पाना, जिसे अध्ययन कर पाना क्या है, बहुत मुश्किल है। इसके लिए सभी जीवों को अलग अलग वर्गीकरण में बांटा गया है, जीवों का वर्गीकरण किया गया है, है ना। और जीवों के वर्गीकरण को क्या कहते हैं, तो वर्गीकी कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्गीकी कहते हैं, है ना। जीवों के वर्गीकरण को क्या कहते हैं, वर्गीकी कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नोमेनक्लेचर बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे जीव हैं, 1.7 से 1.8 मिलियन जीव है, जिसे याद करने के लिए वर्गीकरण किया गया है, जिसे बोलते हैं नोमेनक्लेचर, है ना। अब ये नोमेनक्लेचर में क्या है, ध्यान रखिएगा, ये जो नोमेनक्लेचर होता है ना, इसमें क्या है, सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि नोमेनक्लेचर में जो नाम दिया जाता है जीवों का, विभेदीकृत किया जाता है, ध्यान रखिएगा, जीवों को क्या किया जाता है, विभेदीकृत किया जाता है, और विभेदीकृत करके मतलब कि अलग अलग बांट करके उसका क्या रखा जाता है, नाम रखा जाता है, नाम प्रदान किया जाता है। और जब नाम प्रदान किया जाता है, तो जो नाम प्रदान होता है ना, ये नाम कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। नाम कितने प्रकार के, दो प्रकार के, कल ही बताए थे। कौन कौन सा नाम होता है, एक होता है साधारण नाम, क्या होता है, साधारण नाम, और एक क्या होता है, वैज्ञानिक नाम। एक साधारण नाम और एक वैज्ञानिक नाम, है ना, आपको पहले बताए थे। कह रहा यह दो प्रकार के होते हैं, इट इज टू टाइप्स, है ना, नेम कितने टाइप्स, टू टाइप्स होते हैं। एक साधारण नाम यानी कि कॉमन नेम्स, एक वैज्ञानिक नाम यानी कि साइंटिफिक नेम्स, है ना। कॉमन नेम होते हैं, एक साइंटिफिक नेम होते हैं। यहाँ तक बाबू हम कल बता चुके थे, यहाँ तक हम कल बता दिए थे, यहाँ तक क्लियर था, है ना। आज बढ़ेंगे इससे आगे, अब समझते हैं बारीकी से, एकदम डिटेल से इसके आगे समझते हैं, है ना। यहाँ तक बता चुके थे, इसलिए इसको ज़्यादा डिटेल करना जरूरी नहीं था, है ना। देखते हैं आगे, देखिएगा आगे क्या हम लोग को देखना है। सामान्य नाम,
सामान्य या देशी नाम, देख लीजिए बुआ, एगो सामान्य नाम है और एगो देशी नाम है। एक सामान्य नाम, सामान्य के मतलब एकदम बिल्कुल सामान्य है ना, और देशी नाम के मतलब यानी कि सब जगह अपने अपने बोलचाल के भाषा में अलग अलग नाम बुलाया जाता है। जैसे कि ना मान ली जाए कि परोर है ना, परोर का नाम सुने होंगे आप लोग, तो आप लोग पहले हमको ये बताइए परोर को क्या क्या बोला जाता है। परोर नाम सुने होंगे, कद्दू नाम सुने होंगे, जो सब्जी आप लोग के घर में बनता है। तो परोर को जैसे कि नेनुआ कहते हैं, कद्दू को लौकी कहते हैं, है ना। इसी प्रकार से क्या है कि कोई भी जो भी जीव है ना, हम जीव की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, कोई सब्जी का नहीं, ध्यान रखिएगा। कोई भी जीव है, जैसे कि मान लीजिए तितली, बटरफ्लाई जिसको कहते हैं ना, तो जो तितली है, बटरफ्लाई है, ये क्या है? सामान्य नाम है। लेकिन इसका देशी नाम यदि जानेंगे तो हर एक जगह, अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से इसे जाना जाता है ना। जैसे कि देखिएगा देशी नाम और सामान्य नाम में क्या अंतर है। करा, ये स्थानीय नाम होता है। क्या होता है? सामान्य नाम और देशी नाम में क्या करा, ये स्थानीय नाम होते हैं, है ना। जो स्थानीय व्यक्तियों द्वारा किसी विशिष्ट क्षेत्र व भाषा में जीवधारी को दिया जाता है ना, ध्यान रखिएगा। यानी कि ये स्थानीय नाम है, मतलब कि ये स्थान के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से स्थान में है, किस जगह पे हमें, है ना। सभी जगह पे जीवों का नाम अलग अलग रहता है, जीव एक ही रहता है लेकिन हम सिर्फ नाम अलग अलग बोलते हैं, है ना। जीवधारी को दिया जाता है, किंतु प्रत्येक प्रत्येक क्षेत्र कौमा जाति व भाषा के पास, ध्यान रखिएगा, है ना, अपना स्वयं का विशिष्ट नाम उसे क्षेत्र में ज्ञात जीवधारियों के लिए होता है ना। मतलब कि जो जीव है, जो उसका जाति है ना, वो उसी के जगह के अनुसार, उसी के क्षेत्र के अनुसार उस भाषा का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, है ना, दूसरे भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, है ना, ताकि ये सही से पहचाना जा सके। जैसे कि समझिएगा रोज, है ना, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रोज कहते हैं, समझिएगा अच्छे तरीका से, देख लीजिए तो समझ में आएगा, एग्जाम्पल लीजिएगा नहीं समझ में आएगा। रोज हिंदी में क्या कहते हैं, गुलाब, है ना। तो ये क्या हो गया, सामान्य नाम, अच्छे से समझिएगा इसको बुआ, है ना, तब क्लियर हो पाएगा। करा, रोज हिंदी में क्या होता है, गुलाब, ये क्या हो गया, एक सामान्य नाम हो गया, क्या हो गया, सामान्य नाम हो गया, है ना। लेकिन बोला जाए तो देसी नाम की बात करें तो यदि जो बंगाल में बात करें तो बंगाल में इसको क्या कहा जाता है, गोलप कहा जाता है, गोलप, क्या कहा जाता है, गोलप कहा जाता है ना। गुलाब को ही बंगाल में क्या कहा जाता है, गोलप कहा जाता है। हो सकता है जो प्योर बंगाली हो, यदि जो आप गुलाब बोले तो हो सकता है ना समझे, है ना, या गुलाब बोले तो समझ भी सकते हैं, क्योंकि गुलाब जो है ये सामान्य नाम है, जो रोज है ये सामान्य नाम है, कॉमन नेम है, इसे सब कोई जानता है ना। ये क्या है, कॉमन नेम है, इसे सब कोई जानता है ना। वो बंगाल का व्यक्ति हो, चाहे तमिलनाडु का व्यक्ति हो, चाहे बिहार का व्यक्ति हो, सब कोई जानता है गुलाब को गुलाब कहते हैं। लेकिन गुलाब को बंगाल में क्या कहते हैं, गोलप कहते हैं, और गुलाब को, है ना, तमिल में क्या कहते हैं, रोजेपो कहते हैं, क्या कहते हैं, रोजेपो, ध्यान रखिएगा ना। बोला जाए तो आपको लैंग्वेज बता रहे हैं, समझा रहे हैं, समझ जाइएगा। गुलाब को बंगाल में गोलप कहते हैं और गुलाब को तमिल में क्या कहते हैं, रोजेपो कहते हैं, है ना। तो अब देखिए ये गोलप जो है, यदि आज आप तमिलनाडु जाते हैं, है ना, और तमिल भाषा का प्रयोग करते हैं, और तमिल भाषा में यदि आप बोलते हैं क्या, गोलप, तो वहाँ के लोग क्या समझ पाएंगे, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो गोलप के मतलब नहीं समझ पाएंगे बाबू, है ना। वो समझेंगे क्या, रोजेपो कहिएगा तो समझेंगे, ओ अच्छा गुलाब के बारे में बोल रहा है ना। लेकिन यदि आप तमिल गए हैं और आप गोलप शब्द का प्रयोग कीजिएगा, है ना, तो वहाँ के लोग, फिर स्थानीय लोग नहीं समझ पाएंगे। यदि जो आप तमिल में बोल रहे हैं, है ना, आप तमिल में बोल रहे हैं और फिर गोलप बोल रहे हैं, तो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो नहीं समझ पाएंगे, है ना। मतलब कि ये भाषा के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये क्या है, जो रोज है, गुलाब है, ये सामान्य नाम है, ये सब जगह उपयोग होगा। यदि आप
तमिल में भी बोलते हैं, तमिलनाडु में भी जाके बोलते हैं, है ना, गुलाब रोज, तो वहाँ के लोग समझ जाएंगे। बंगाल में भी यदि आप जाके बोलते हैं गुलाब या रोज तो समझ जाएंगे, है ना। लेकिन यदि बिहार में आप किसी को जाके बोलिए, किसी को दूर गया घर में बोलिए, है ना, घर में बोलिएगा कभी गुलाब का पौधा लाने के लिए, तो किसी को कहिएगा गोलाब के पौधा लेके आओ, है ना, गोलाब के पौधा, तो कहेगा तू कौची बोलता है रे। क्यों? क्योंकि ये स्थानीय नाम है ना। यह क्या है तो ध्यान रखिएगा, स्थानीय नाम है, बोला जाए तो देसी नाम है। ये सब जगह अलग अलग होते हैं, है ना। ये स्थान के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा जगह किस शब्द का हम प्रयोग करेंगे, है ना। तो बिहार में गुलाब का ही प्रयोग होता है, बिहार में कोई अलग शब्द का प्रयोग होता नहीं है, है ना। तमिल में रोजेपो शब्द का प्रयोग होता है ना। यदि यहाँ किसी व्यक्ति को आप बोल दिए कि जैसे कि मान लीजिए कोई गर्ल्स हैं, आप उसको क्या करते हैं, प्रपोज करते हैं, कोई गर्लफ्रेंड है, प्रपोज करते हैं, आप लोग गुलाब देते हैं, है ना, तो आप उसको क्या बोलते हैं कि क्या आपको गुलाब पसंद है। आप उस लड़की से एक बार पूछ के देखिएगा क्या आपको रोजेपो पसंद है, तो कहेगी का बोल रहा है रे, रोजेपो का है ना। फिर वो इसी प्रकार से कह रहा, अंग्रेजी में क्या कहते हैं बटरफ्लाई, हिंदी में क्या कहते हैं तितली, हिंदी में क्या कहते हैं तितली, लेकिन बटरफ्लाई और तितली को बंगाल में क्या बोलते हैं पता है, प्रजापति कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रजापति, है ना। तितली को बंगाल में क्या कहते हैं? प्रजापति। हम लोग यहाँ तितली को क्या बोलते हैं? तितली ही कहते हैं। तितली को क्या कहते हैं? तितली, बटरफ्लाई, है ना, ध्यान रखिएगा, तितली उड़ रही है। लेकिन बंगाल में तितली यदि रहेगा ना तो लोग क्या कहेगा, जो बंगाली लोग रहेगा वो कहेगा प्रजापति है। क्या है? प्रजापति। और तमिल में उसको क्या बोलते हैं? वन्नाटू पुची कहते हैं। क्या कहते हैं? वन्नाटू पुची, है ना, ध्यान रखिएगा। तितली को क्या तमिल में? वन्नाटू पुची कहते हैं। तो हो सकता है यदि आज को आपको कोई तमिल लड़की मिल जाए, है ना, जिसमें जो इसमें बॉयज हैं, यदि आज मान लीजिए आपकी कभी गर्लफ्रेंड कोई बनी, है ना, और वो आपको बोली कि हमें वन्नाटू पुची बहुत पसंद है, एक पकड़ कर ला दीजिएगा ना, तो आप का कह रहे हैं जी, है ना, क्या पकड़ कर ला दें, क्योंकि वन्नाटू पुची का मतलब क्या हो गया? तितली। या मान लीजिए कि तमिल का कभी कोई लड़की मिल गई, है ना, और वो आपको पसंद करती है, और आप उससे पूछते हैं कि आपको क्या पसंद है, है ना, आपके लिए हम क्या ला दें, तो वो अगर जो बोल दी, है ना, तमिल का लड़की कि हमको क्या ला दीजिए, तो एक रोजेपो ला के दे दीजिए ना, बहुत पसंद है हमें, है ना, तो आप कहिएगा ये क्या मांग रहे हैं, आप क्या ला के दे, रोजेपो का मतलब, है ना, तो आप देखिएगा मोबाइल पर गूगल पर रोजेपो का मतलब क्या होता है ना, तो आपको पता चलेगा रोजेपो के मतलब क्या होता है, गुलाब होता है ना। तो ये हो गया क्या हमारा देसी नाम और सामान्य नाम, है ना, सामान्य नाम क्या है और देसी नाम क्या है। तो उम्मीद करते हैं कि ये अच्छे से आप लोग को समझ में आ गया होगा। यस या नो फटाफट कमेंट कर दीजिए, क्या ये बात आपको अच्छे से समझ में आ चुका है, देसी नाम और सामान्य नाम, फटाफट एक बार कमेंट कर दीजिए आप लोग। क्या आप कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग, मेरे साथ भी हुआ है सर, चलिए बिल्कुल सही है, यस सर क्लियर है, चलिए आप लोग एकदम पूरा खुश है ना, बम है ना बुआ एकदम, है ना, एकदम अच्छे समझ में आना चाहिए, एकदम कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किन्हीं को, ताकि कभी तमिल लड़की भी मिल जाए या किसी लड़की को तमिल लड़का मिल जाए या बंगाली लड़का मिल जाए, है ना, तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, एकदम मजा में, चलिए ठीक है बुआ, एकदम मजे में होना भी चाहिए, है ना। कोई लड़की है इसमें, गर्ल्स हैं, यदि या जो आपको बंगाली लड़का पसंद आ जाए, है ना, बंगाल का कोई लड़का है जो पसंद आ जाए आपको, उससे विवाह करना है ना, तो ये सब चीज़ याद रखिएगा, या किसी को तमिल पसंद आ जाए, है ना, तो लड़का हो या लड़की हो, लड़की को याद रखना है, या लड़का जो भी हो सबको याद रखना है ना, क्योंकि सबको कोई ना कोई पसंद आता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़का को ही लड़की पसंद आती है, लड़की को भी लड़का पसंद आता है, है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़का लोग लड़की को प्रपोज करती है, कुछ लड़की लोग भी है जो लड़का लोग को प्रपोज करती है ना, तो ये सब चीज़ को ध्यान रखना है। इंग्लिश में वही चीज़ का रहा जो हिंदी है, उसी चीज़ का इंग्लिश है ना, जो इंग्लिश में एग्जाम दीजिएगा, इंग्लिश मीडियम का छात्र है, वो इंग्लिश को क्या कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, है ना, इंग्लिश को राइट डाउन कर लीजिएगा, समझा तो दिए हैं, समझाना तो दोनों एक ही भाषा में है ना, अलग अलग भाषा में समझाना नहीं है। अब बात करते हैं क्या बाइनोमियल नॉमन क्लेचर, किसकी बात करते हैं,
बाइनोमियल नॉमनक्लेचर की बात करते हैं, है ना। यानी कि बोला जाए तो द्विनाम पद्धति किसका प्रयोग, किसके बारे में जानेंगे, द्विनाम पद्धति के बारे में हम लोग जानेंगे, द्विनाम पद्धति। अब ये भैया द्विनाम पद्धति क्या है, तो द्विनाम पद्धति क्या है, ये तो साइंटिफिक नेम है ना। हम बताए थे कल क्या साइंटिफिक नेम, यानी कि वैज्ञानिक नाम, जिसका दो तीन एग्जांपल भी दिए थे, है ना, जैसे कि ह्यूमन का होमो सेपियंस सेपियंस, है ना, फ्रॉग का राना टिग्रिना, है ना, इस प्रकार से हम एग्जांपल दिए थे। तो जो एग्जांपल दिए थे साइंटिफिक नेम, है ना, उसके बारे में जानेंगे, देखिएगा, है ना, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या होता है, कितना शब्द होता है ना। कह रहा वैज्ञानिक नाम, द्विनाम पद्धति में देखिएगा, कह रहा वैज्ञानिक नाम देने की पद्धति को द्विनाम पद्धति कहते हैं, है ना, ध्यान रखिएगा, वैज्ञानिक नाम देने की पद्धति को द्विनाम पद्धति कहते हैं। यदि आपसे पूछा जाए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, है ना, तो ध्यान रखिएगा, साइंटिफिक नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, इज कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, है ना, बिल्कुल इजी है, एकदम छोटा सा, एकदम थोड़ा सा सेंटेंस है ना, क्या है, तो वैज्ञानिक नाम, ध्यान रखिएगा, किसी भी जीव को वैज्ञानिक नाम देने की पद्धति को द्विनाम पद्धति कहते हैं। यदि किसी जीव को हम क्या करते हैं, अरे बाबा बाबा, यहाँ इन्वाइटर चालू नहीं किए थे हम, है ना, एक मिनट बाबू, द्विनाम पद्धति में क्या बताएं हम, द्विनाम पद्धति में बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या बताएं, कि किसी जीव का यदि हम साइंटिफिक नेम रखते हैं, वैज्ञानिक नाम रखते हैं, है ना, तो जीवों के वैज्ञानिक नाम रखने के वो क्या कहते हैं, द्विनाम पद्धति कहते हैं। क्योंकि साइंटिफिक नेम जब उसका नाम रखते हैं ना, तो उसमें कितना नेम होता है, दो नेम होता है, साइंटिफिक नेम में दो वर्ड होता है, दो नाम होता है ना? वो कौन कौन सा वर्ड होता है, कौन कौन सा नेम होता है, उसके बारे में हम आपको बताते हैं आराम से एकदम। क्योंकि आप लोग को जैसे हम बताए हैं, क्या मान लीजिए फ्रॉग का बताए हैं राना टिग्रिना, तो आप यही देखिए दो वर्ड है कि नहीं, एक है राना, दूसरा है टिग्रिना, राना टिग्रिना, है ना। जैसे ह्यूमन का बताए होमो सेपियंस सेपियंस, तो क्या होमो सेपियंस सेपियंस है ना, तो इस प्रकार से क्या है, दो वर्ड है, ध्यान रखिएगा, ऐसे कीजिएगा, द्विनाम पद्धति, है ना, यही ना बता रहे हैं अभी आप लोग को, द्विनाम पद्धति। तो द्विनाम पद्धति में क्या है, द्विनाम पद्धति में क्या है, वैज्ञानिक नाम देने की पद्धति को द्विनाम पद्धति कहते हैं, है ना। करा यह जीवधारियों को स्पष्ट व सही वैज्ञानिक नाम प्रदान करने की एक पद्धति है। करा यह जीवधारियों को, जीवधारी का मतलब क्या हो गया, जिसमें जीवन होता है उसको जीवधारी कहते हैं। कहीं भी जीवधारी आ जाए, जीवधारी का मतलब समझिएगा, जिसमें जीवन है उसको जीवधारी कहते हैं, जिसमें जान है प्राण है उसको जीवधारी कहते हैं। करा यह जीवधारियों को स्पष्ट व सही वैज्ञानिक नाम प्रदान करने की एक पद्धति है, मतलब कि जितना भी जीवधारी है उसको क्या करता है, सही वैज्ञानिक नाम प्रदान करता है, सही वैज्ञानिक नाम प्रदान किया जाता है, किसके द्वारा, द्विनाम पद्धति के द्वारा। द्विनाम पद्धति से हम क्या करते हैं, किसी भी जीव का हम एक सही वैज्ञानिक नाम का नामकरण करते हैं, सही वैज्ञानिक नाम रखते हैं, है ना। फिर कह रहा है जिसमें प्रत्येक नाम दो शब्दों का बना होता है, मतलब कि जो वैज्ञानिक नाम रखते हैं हम किसी जीव का, साइंटिफिक नेम रखते हैं, उसमें कितना शब्द होता है, दो शब्द होता है, दो शब्दों का नाम बना होता है। जो वैज्ञानिक नाम होता है वो कितना शब्दों का बना होता है, दो शब्दों का बना होता है ना, जिसमें पहला वंश एवं दूसरा जाति होता है। जैसे दो नाम होता है तो दो शब्द होता है, सॉरी ध्यान रखिएगा, दो शब्द होता है, कह रहा प्रत्येक नाम में कितने शब्द, दो शब्द का बना होता है, जिसमें पहला शब्द वंश होता है और दूसरा शब्द जाति होता है, दूसरा शब्द क्या होता है, जाति, ध्यान रखिएगा, है ना। जैसे कि कह रहा ह्यूमन, है ना,
जैसे कि कह रहा है मैंगो, जैसे कि हनी, जैसे कि फ्रॉग। अब देखिएगा समझिएगा, कह रहा है फ्रॉग, तो ये फ्रॉग क्या है, ये तो कॉमन नेम हो गया। अच्छे से इसको देखिएगा, एग्जांपल समझिएगा, मेन है एग्जांपल ही है ना, ये क्या हो गया कॉमन नेम है ना। अब इसका ये क्या हो गया, राणा टिग्रिना हो गया साइंटिफिक नेम, राणा टिग्रिना क्या हो गया साइंटिफिक नेम, ये हो गया साइंटिफिक नेम। अब ये वैज्ञानिक नाम में कितना शब्द है, दो शब्द है कि नहीं बताइए आप। पहला शब्द क्या है राणा, पहला शब्द क्या है राणा, दूसरा शब्द क्या है टिग्रिना, दूसरा शब्द क्या है टिग्रिना, तब बताइए कितना शब्द हुआ, दो शब्द हुआ, एक शब्द है राणा, दूसरा शब्द है टिग्रिना है ना। तो कह रहा है कि वैज्ञानिक नाम है ना, पहला शब्द जो होता है वो वंश को दर्शाता है कि वह जीव किस वंश का है ना, और जो दूसरा शब्द होता है वो जाति को दर्शाता है किस जाति का है ना। तो ये जो पहला है ये क्या है, वंश है, ये क्या है वंश है, और ये जो दूसरा शब्द है ये क्या है जाति है ना। तो वंश और जाति दो नाम मिला करके क्या बनता है साइंटिफिक नेम, यानी कि वैज्ञानिक नाम बनता है, या हम बोल सकते हैं कि किसी जीव का जो वैज्ञानिक नाम होता है उसमें पहला शब्द, उसमें पहला शब्द वंश होता है और दूसरा शब्द जाति होता है, दूसरा शब्द क्या होता है जाति होता है। जैसे कि देखिएगा मैंगो क्या है, मैंगो, तो मैंगो क्या हो गया सामान्य नाम, मतलब कॉमन नेम हो गया, ये सब जगह मैंगो यूज किया जाता है, वह बिहार हो या बंगाल हो या तमिलनाडु हो है ना, या उड़ीसा हो या मध्य प्रदेश हो, कहीं भी हो, किसी भी जगह हो है ना, सब जगह मैंगो को क्या मैंगो ही वर्ड का प्रयोग करते हैं, क्यों, क्योंकि ये कॉमन नेम है, ये सामान्य नाम है, सब जगह मैंगो ही चलेगा है ना। लेकिन यदि इसका वैज्ञानिक नाम की बात करें मैंगो का, तो मैंगो का वैज्ञानिक नाम क्या होता है मैंजिफेरा इंडिका, क्या होता है मैंजिफेरा इंडिका। अब इसमें देख लीजिए मैंजिफेरा इंडिका में कितना शब्द है, दो शब्द है, दो वर्ड है, पहला वर्ड क्या है मैंजिफेरा और दूसरा वर्ड क्या है इंडिका, दूसरा वर्ड क्या है इंडिका। तो पहला शब्द मैंजिफेरा और दूसरा शब्द इंडिका, मतलब जो मैंजिफेरा है ना, तो ये मैंजिफेरा क्या हो गया, मैंजिफेरा क्या हो गया वंश हो गया, मैंजिफेरा वंश हो गया, और इंडिका क्या हो गया जाति हो गया, इंडिका क्या हो गया जाति हो गया है ना। क्योंकि जो साइंटिफिक नेम होते हैं वैज्ञानिक नाम होते हैं उसका पहला शब्द वंश होता है और दूसरा शब्द जाति होता है ना। तो ये बात क्लियर हो गया होगा, ये बात क्लियर हो गया होगा, यस या नो फटाफट आप लोग कमेंट कर दीजिए, क्या ये बात क्लियर हो गया द्विनाम पद्धति अच्छे से, क्या आप लोग को समझ में आ गया है द्विनाम पद्धति, फटाफट कमेंट कर दीजिए यस या नो, कि फिर से बताएं द्विनाम पद्धति क्या क्लियर हो गया है, फटाफट कमेंट कर दीजिए आप लोग। यस सर, यस सर, चलिए ठीक है बाबू, क्लियर हो गया। ट्वेल्थ का भाई शाम में 7 बजे चल रहा है बुआ, चलिए क्लियर हो गया होगा है ना द्विनाम पद्धति। तो ये हो गया हमारा क्या द्विनाम पद्धति कंप्लीट हो गया है ना। जैसे कह रहा है ह्यूमन, ह्यूमन का कह रहा है होमो सेपियंस सेपियंस है ना, तो ये जो होमो है ना, होमो, होमो सेपियंस सेपियंस, तो ये जो सेपियंस हो गया ये पहला शब्द हो गया, ये होमो जो हो गया पहला शब्द और सेपियंस हो गया दूसरा शब्द, तो होमो क्या हो गया वंश और सेपियंस क्या हो गया जाति, होमो क्या हो गया वंश और सेपियंस क्या हो गया जाति है ना। इसी प्रकार से बहुत सारे नाम हैं जिसको आप लोग क्या कीजिएगा नोट कर लीजिएगा है ना, ये इसको नोट कर लीजिएगा और इसको भी नोट कर लीजिएगा, जैसे कि कह रहा है कैट, डॉग, काउ, राइस, वेट, पी है ना, ये सब का क्या है साइंटिफिक नेम है, तो ये सभी का साइंटिफिक नेम आप लोग अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिएगा, ऐसे हम ऑलरेडी आप लोग को पीडीएफ दे देंगे, पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे है ना। अब जैसे कि आप लोग बताइए, आप लोग खुद बताइए है ना, आप लोग से हम पूछते हैं, बता दीजिए जो वेट है, वेट मतलब गेहूं है ना, वेट मतलब क्या होता है गेहूं, इसका आप लोग बता दीजिए हमें वंश
इसका वंश कौन है और इसका जाति कौन है। सबसे पहले आप लोग वंश का नाम बताइए, वेट का वंश का नाम बताइए। आप लोग वेट का वंश का नाम क्या है फटाफट कमेंट कीजिए लिख करके, वेट का वंश का नाम क्या है फटाफट कमेंट कीजिए। वेट का वंश कौन सा है, किस वंश के अंतर्गत आता है वेट? ट्रेटिकम। चलिए सौरभ राज पांडे, बिल्कुल सही पकड़े आप बउआ, बिल्कुल सही पकड़े आप, आपका आंसर बिल्कुल एकदम राइट है, करेक्ट है ना। जो वेट है ये वीट का वंश कौन है, ट्रेटिकम। क्या है? ट्रेटिकम है ना, ट्रेटिकम। ये जो गेहूं है वेट है, ये गेहूं का वंश का नाम क्या हो गया, ट्रेटिकम। और इसका जाति क्या है, जाति का नाम बता दीजिए, वीट का जाति का नाम बता दीजिए, वीट कौन से जाति से है, वीट का जाति का नाम बता दीजिए क्या है। वंश तो हो गया ट्रेटिकम, और बता दीजिए इसका जाति का नाम क्या है, एस्टिवम है ना। चलिए बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही, चलिए एकदम राइट है। और वीट का जाति क्या हो गया, एस्टिवम है ना, एस्टिवम, बिल्कुल सही है ना। मतलब कि बोला जाए तो ट्रिटिकम जो है, ट्रिटिकम जो है ये क्या है, वंश है, और एस्टिवम जो है ये क्या है, जाति है ना। ट्रिटिकम वंश है, एस्टिवम क्या है, जाति है। क्योंकि जितने भी जीव हैं, जितने भी नेम हैं, इसका पहला शब्द वंश होता है और दूसरा शब्द क्या होता है, जाति होता है। इससे याद रखिएगा, यदि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा जाति और वंश को पहचानने के लिए बोला जाएगा तो आराम से आप लोग पहचान सकते हैं। यस या नो फटाफट कमेंट कर दीजिए। क्या अब किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम बताया जाए तो क्या उसका जाति और वंश को आप बता सकते हैं कि नहीं, डिसाइड कर सकते हैं कि नहीं कि कौन सा जाति है और कौन सा वंश है, फटाफट कमेंट कर दीजिए यस या नो। क्या अब आप लोग पहचान सकते हैं कि नहीं, किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम बताया जाए तो आप उस नाम में जाति को और वंश को बता सकते हैं नहीं, यस या नो? यस सर, यस सर, यस सर। चलिए ठीक है, सभी लोगों का यस सर आ गया है ना। चलिए बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है ना, आराम से आप लोग पहचान सकते हैं, अब क्लियर हो गया होगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं है ना, आगे की ओर बढ़ते हैं थोड़ा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं है ना। कह रहा है जीवधारियों का वैज्ञानिक नाम लिखने के लिए द्विनाम पद्धति के रोल से लिनियस द्वारा 1751 में विकसित की गई फिलोसफिया बॉटनिका 1751 में है ना, यहाँ लिख दिया 1751, ध्यान रखिएगा है ना। ये वही चीज को ब्रैकेट में कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा है ना। कह रहा है लिनियस द्वारा पहली बार जंतुओं के लिए सभी उपयुक्त नाम दिए गए जो उनकी किताब है ना सिस्टमा नेचुरे को 10वें संकरण में, संकरण ध्यान रखिएगा है ना, संकरण, संकरण में करा 1758 में प्रकाशित हुए है ना। मतलब क्या, देखिए क्या कह रहा है, जीवधारियों का जो वैज्ञानिक नाम है ना, वैज्ञानिक नाम है वो लिखने के लिए जो द्विनाम पद्धति दिया गया है ना, ये किसके द्वारा दिया गया, सबसे पहले ध्यान रखिएगा लिनियस द्वारा, लिनियस द्वारा है ना। कब दिया गया तो 1751 में, कब दिया गया तो 1751 में। फिर कह रहा है 1751 में विकसित हुआ, अब 1751 में विकसित हुआ, उसके बाद फिर कह रहा है लिनियस द्वारा, फिर किसके द्वारा कह रहा है ना, लिनियस द्वारा, मतलब फिर वही वैज्ञानिक है लिनियस, ऊपर भी लिनियस था नीचे भी वही कह रहा है लिनियस है ना। फिर कह रहा है लिनियस द्वारा पहली बार पादपों के लिए
उपयुक्त नाम दिए गए हैं, पादपों के लिए उपयुक्त नाम, मतलब कि जो लिनियस था वो किसके बारे में, प्लांट के बारे में स्पेशली बताया, लिनियस ने स्पेशली प्लांट के बारे में बताया। आप लोगों को क्या बताएं, तो जो जीव आते हैं वो दो प्रकार के हैं ना, क्या क्या आते हैं, तो एक प्लांट और दूसरा एनिमल्स, एक प्लांट है और दूसरा कौन सा है जीव, एनिमल्स, है ना। तो जो प्लांट है वो प्लांट के बारे में है ना, प्लांट को प्रकाशित करने वाला कौन है, लिनियस, है ना। लिनियस अपने बुक में है ना, अपने किताब में, कौन सा किताब है, तो किताब है सिस्टमा नेचुरे, ध्यान रखिएगा, है ना। इस किताब के 10वें संकरण मतलब है ना, 10वां संकरण समझ रहे ना, मतलब कि पहली बार जब किताब लिखे थे उसमें नहीं, दूसरी बार में नहीं, तीसरी बार में नहीं, बल्कि 10वीं बार में, 10वें संकरण में, है ना। क्या किए, 10वें संकरण में 1758 में प्रकाशित हुआ, है ना। और लिनियस द्वारा पहली बार पादपों के लिए उपयुक्त नाम दिए गए, उनकी किताब कौन सा, तो किताब का नाम क्या दिया गया, तो स्पेसिस प्लांटेरम में, स्पेसिस प्लांटेरम में 1751 में प्रकाशित हुआ, मतलब कि स्पेसिस प्लांटेरम नामक किताब है उनका, है ना, किनका, लिनियस के द्वारा लिखा गया एक किताब है, कौन सा, स्पेसिस प्लांटेरम, है ना, ये जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्लांट के बारे में जिक्र किया गया है, किसके बारे में, प्लांट के बारे में। लिनियस द्वारा जो किताब लिखा गया है ना, वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट के स्पीसीज के बारे में लिखा गया, प्लांट के जाति के बारे में लिखा गया, सिर्फ उसमें प्लांट के बहुत सारे जाति को इंक्लूड किया गया, बोला जाए तो बॉटनी का बुक है ना। प्लांट के बारे में जिक्र किया गया, बताया गया है, और वह 1751 में ही प्रकाशित किया गया है ना। अब 1751 के बाद बुक हमेशा छपते आ रहा है लगातार, ध्यान रखिएगा, है ना, मतलब कि एडिशन, न्यू एडिशन का बुक आ रहा है। ये उनके लिए है जो खास करके बॉटनी से पढ़ना चाहते हैं, या जो प्लांट के बारे में डिटेल स्टडी करना चाहते हैं, वह जो आप लोग में से कोई एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, प्लांट के बारे में डिटेल स्टडी करना चाहते हैं, वह इस बुक को खरीद लीजिएगा, स्पेसिस प्लांटेरम, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्लांट के बारे में ही पढ़ने के लिए दिया हुआ होगा, जितना प्लांट है सभी का नाम और सभी का साइंटिफिक नेम दिया हुआ है ना। ये हो गया, सिर्फ ये मतलब कि बोला जाए तो एक कहानी की तरह है ना, ये सब आपके एग्जाम में पूछता नहीं है, बोला जाए तो ये स्टार मार्किंग में हो गया, ये एक पॉइंट की तरह हो गया स्टार मार्किंग में, इससे क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा, इससे क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव, हम आप लोग को क्लियर कर देते हैं क्या क्या ऑब्जेक्टिव आ सकता है ना, आप लोग का क्वेश्चन क्लियर करते चलते हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव आ सकता है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा है ना, द्वि नाम, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, वैज्ञानिक नाम लिखने के लिए द्वि नाम पद्धति है ना किसने दिया था, तो वैज्ञानिक नाम लिखने के लिए द्वि नाम पद्धति किसने दिया था, लिनियस ने, किसने दिया था, लिनियस ने, पहला कंप्लीट हो गया होगा है ना। वैज्ञानिक नाम लिखने के लिए द्वि नाम पद्धति किसने दिया, तो लिनियस द्वारा दिया गया, कब दिया गया, तो 1751 में, कब दिया गया, तो 1751 में, कंप्लीट, तीन क्वेश्चन, दो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। पहला क्वेश्चन, वैज्ञानिक नाम लिखने के लिए द्वि नाम पद्धति किसने दिया, तो लिनियस ने। दूसरा क्वेश्चन, वैज्ञानिक नाम लिखने के लिए द्वि नाम पद्धति कब दिया गया, तो 1751 में, है ना, ध्यान रखिएगा, सिर्फ इससे ऑब्जेक्टिव आएगा। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन किया जाए तो है ना, तीसरा क्वेश्चन किया जाए तो ध्यान रखिएगा, ये पूछेगा आपका है ना कि जंतुओं के लिए सभी उपयुक्त नाम, ध्यान रखिएगा, जंतुओं के लिए सभी उपयुक्त नाम दिए गए जो उनकी किताब सिस्टमा नेचुरे के 10वें संकरण में है ना, 10वें संकरण में है, ध्यान रखिएगा, कहेगा यहाँ 10वें संकरण में है, जो कब प्रकाशित हुए, यहाँ कर देगा है, जो कब प्रकाशित हुए, कब प्रकाशित हुए, है ना, तो बोल देगा 1751, 1752, 1753, 1758, तो याद रखिएगा 1758 में प्रकाशित हुए, है ना। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है, तीन क्वेश्चन हो गया, अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान रखिएगा, लिनियस द्वारा पादपों के लिए उपयुक्त नाम, पादप के लिए, ये तो हो गया था जंतु के लिए है ना, अगला कह रहा है पादप के लिए, लिनियस द्वारा पहली बार पादपों के लिए उपयुक्त नाम दिए गए है ना किस बुक में,
किस बुक में, ध्यान रखिएगा ना, पादपों के लिए उपयुक्त नाम दिए गए हैं किस बुक में, किस किताब में लिखा गया। तो पादप के लिए उपयुक्त नाम किस किताब में दिया गया, तो स्पेसिस प्लांटेरम में। फिर पूछेगा कब दिया गया, तो 1751 में। कब दिया गया, तो 1751 में। बोला जाए तो भैया ये आपका 11 के एग्जाम में नहीं पूछता है, कम पूछता है, नहीं के बराबर। बोला जाए तो इसमें से ये फुल्ली जो है ये क्वेश्चन किस में काम करेगा, नीट में। ये नीट का लेवल हो गया है ना, ध्यान रखिएगा, नीट का लेवल हो गया, एम्स का लेवल हो गया ये, है ना। ये बोला जाए तो हाई क्वालिटी हो गया। ये सब आपका ध्यान रखिएगा एंट्रेंस एग्जाम में पूछता है ना। ये सब मेडिकल के एग्जाम में पूछेगा, ये सब किस में पूछेगा, मेडिकल के एग्जाम में। इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन घुमा फिरा करके पूछेगा, अन्यथा ऐसे ये सब क्वेश्चन किया नहीं जाता है ना। बहुत कम 11 में ये सब क्वेश्चन बहुत कम किया जाता है, नहीं के बराबर। ना तो 11 में आएगा, ना तो 12 में आएगा ये सब। जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव इस तरीका का, तो वो नेट एम्स लेवल के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो यदि आज जो कोई सोच रहे होंगे कि हम तैयारी करेंगे एग्रीकल्चर का या मेडिकल का, उनके लिए ये सब इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, है ना। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, यस या नो फटाफट कॉमेंट कर दीजिए, फटाफट एक बार कमेंट कर दीजिए क्या यहाँ तक क्लियर हो गया, क्योंकि क्लियर करते जाना है और आप लोग से पूछते जाना है, तब आगे बढ़ते जाना है ना, ऐसे ही आगे नहीं बढ़ना है। जाति और वंश में क्या डिफरेंस है सर, ठीक है राजू जी बताएंगे, आगे वही आने वाला है, इसके आगे वही पॉइंट आने वाला है। यस सर, जाति और वंश ही आगे आने वाला है, बहुत सारा पढ़ेंगे आगे, जाति वंश कुल गण है ना, सब में डिफरेंस पढ़ेंगे। यस सर, यस सर, यस सर, चलिए ठीक है, सबका क्लियर हो गया है यहाँ तक, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है, चलिए किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है ना। अब आगे की ओर बढ़ा जाए, वही चीज़ का इंग्लिश हो गया है ना, ध्यान रखिएगा, उसी का सेंटेंस हो गया, अब इससे आगे बढ़ेंगे है ना। द्विनाम पद्धति का नियम, यदि किसी का हम द्विनाम पद्धति रखते हैं, किसी जीव का खोज रख करते हैं, और खोज करने के बाद हम उसका नाम रखते हैं, नाम रखने के बाद उसका वैज्ञानिक नाम देंगे, तो उसका क्या क्या नियम है वैज्ञानिक नाम रखने का, मतलब कि बोला जाए द्विनाम पद्धति कहते किसको हैं, ये तो पता है कि जीवों का वैज्ञानिक नाम रखने को नियम को द्विनाम पद्धति कहते हैं, है ना। वैज्ञानिक नाम रखने की पद्धति को द्विनाम पद्धति कहते हैं। अब वैज्ञानिक नाम रखने का क्या क्या नियम है ना, हम किस नियम को फॉलो करते हुए वैज्ञानिक नाम किसी का रख सकते हैं, है ना। द्विनाम पद्धति का नियम क्या है, नियम को समझिएगा अच्छे तरीके से, ऐसे नियम समझ जाइएगा तो समझ जाइए वैज्ञानिक बन गए, है ना, ये वैज्ञानिक के लिए इम्पोर्टेंट है। यदि आज मान लीजिए कोई किसी का रिजल्ट होता है JRF में, जूनियर रिसर्चर फेलोशिप में, है ना, कोई जूनियर रिसर्चर हैं तो उनके लिए जो रिसर्च कर रहे हैं या PhD कर रहे हैं ना, उनके लिए ये सब पता होना जरूरी है। मतलब कि बोला जाए तो आप लोग में से यदि कोई आगे MSc करेंगे है ना, PG करेंगे, PhD करेंगे, उनके लिए ये सब अभी से ही याद रखना इम्पोर्टेंट है ना, जैसे कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। कह रहा है द्विनाम पद्धति का नियम, द्विनाम पद्धति का नियम है ना, रूल ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर है ना, द्विनाम पद्धति का क्या नियम है, तो इसमें ध्यान रखिएगा। अब इसमें आप लोग यह मत खोजिएगा कि सर इसका हिंदी कहाँ है, तो बउआ इसका हिंदी नहीं है, कहिएगा सर इसका हिंदी कहाँ नहीं है, हिंदी नहीं लिखाए हैं इसमें, हिंदी नहीं लिखा है, तो बउआ एक में खाली फुल फॉर्म है, ये बस एरा में खाली शॉर्ट नेम है, तो एक में कहाँ से लिखेंगे हिंदी, एरा में हिंदी लिखे कहीं जगह नहीं है, डायरेक्ट है, देख लीजिए क्या द्विनाम पद्धति का नियम डायरेक्ट इसमें दिया हुआ है, ICBN ICZN है ना, उसके बाद है ICBN, उसके बाद है ICVN, और उसके बाद है ICNCP है ना, बस इतना नाम है, यही इसका नियम है। अब कहिएगा सर ये कौन सा नियम है, ये किस प्रकार का नियम है ना, हिंदी कुछ लिख ले नहीं और कह रहे हैं ये नियम है, ये नियम है ना।
तो यहाँ समझिएगा बउआ अच्छे तरीका से, है ना। कह रहा है द्विनम पद्धति का नियम, तो कह रहा है क्या वहाँ क्या कह रहा है देख लीजिए, है ना। इंटरनेशनल कोड बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, है ना, इंटरनेशनल कोड बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। फिर कह रहा है शॉर्ट में इसी का क्या कह रहा है, ICBN। ICBN आई का मतलब इंटरनेशनल, सी का मतलब कोड, बी का मतलब बॉटनिकल, एन के मतलब नोमेनक्लेचर, है ना। फिर आगे कह रहा है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ICZN। ICZN आई का मतलब इंटरनेशनल, सी का मतलब कोड, है ना, और जेड का मतलब जूलॉजिकल, एन का मतलब नोमेनक्लेचर। समझते जाइएगा अभी, है ना। फिर आगे कह रहा है इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, है ना। आई के मतलब इंटरनेशनल, सी के मतलब कोड, बी के मतलब बैक्टीरियोलॉजिकल, एन के मतलब नोमेनक्लेचर, है ना। फिर आगे कह रहा है इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नोमेनक्लेचर, है ना, मतलब आई के मतलब इंटरनेशनल, सी के मतलब कोड, अब बी के मतलब हो गया वायरल, एन के मतलब हो गया नोमेनक्लेचर, है ना। फिर कह रहा एंड इंटरनेशनल, ध्यान रखिएगा, है ना, क्या कह रहा इंटरनेशनल, यहाँ देखिए यहाँ ए एल होगा, है ना, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर कल्टिवेटेड प्लांट्स, है ना। आई का मतलब हो गया इंटरनेशनल, सी का मतलब कोड, एन का मतलब नोमेनक्लेचर, सी का मतलब कल्टिवेटेड और पी का मतलब प्लांट, है ना। ये हो गया क्या तो बोला जाए तो द्विनाम पद्धति का नियम। इसी नियम को फॉलो करते हुए, ये सब सारे चीज़ों को फॉलो करते हुए हम किसी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम रख सकते हैं, है ना। उसका बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, मतलब देखेंगे पहले ये कि वो बॉटनिकल है कि जूलॉजिकल है, मतलब प्लांट के अंतर्गत है। बॉटनिकल का मतलब हो गया प्लांट, है ना, बॉटनिकल नोमेनक्लेचर मतलब प्लांट का, है ना। जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर मतलब कि जू का, मतलब एनिमल्स, बताए थे बायोलॉजी का दो भाग होते हैं, दो ब्रांच है मुख्य रूप से, टू मेन ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, पहला बॉटनिकल और दूसरा जूलॉजिकल। बॉटनी में प्लांट आता है और जूलॉजिकल में एनिमल्स आता है, है ना। फिर कह रहा है बैक्टीरियोलॉजिकल मतलब बैक्टीरिया, कह रहा है वायरल मतलब क्या हो गया वायरस, ध्यान रखिएगा, है ना। और फिर कह रहा है कल्टिवेटेड प्लांट्स, मतलब कल्टिवेटेड प्लांट्स मतलब हो गया सभी जो बोला जाए कि जो सूक्ष्म होते हैं, जो है ना, जैसे कि मान लीजिए एल्गी वगैरह हो गया, प्लांट्स के अंतर्गत ही आता है वो सब, क्या आ जाएगा कल्टिवेटेड प्लांट्स के अंतर्गत आ जाएगा, ICNCP, ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये सब हो गए क्या बोला जाए तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर, यानी कि रोल्स ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर, यानी कि सभी का हो गया, ये बोला जाए तो रूल्स हो गया, है ना, कि किस रूल्स को फॉलो करते हुए, कैसे हम फॉलो करते हुए ये सब क्या कर सकते हैं, हम किसी भी जीवों का वैज्ञानिक नाम रख सकते हैं। तो ये सब फॉलो करना पड़ेगा, जो कि ये सब फॉलो आपसे तो होगा नहीं, आप अभी किस में हैं, तो आप अभी 11 में हैं, फिर 12 में जाइएगा, फिर BSc MSc, ये सब आप लोग तभी कर सकते हैं जब आप लोग BSc फाइनल कर लीजिएगा, MSc की पढ़ाई कीजिएगा। MSc फाइनल करने के बाद, है ना, जब आप PhD करते हैं तब आप लोग को ये सब का अधिकार मिल जाता है, फुली तरह से आपको ये सब ही करना पड़ता है, है ना। ये सब के लिए भी बहुत लंबा प्रोसेस है, ज़्यादा इस पर प्रेशर नहीं डालना है ना, सिर्फ इतना समझ लीजिए बस, वही काफ़ी है आप लोग के लिए, है ना। अब आगे की बात किया जाए, क्या ये क्लियर हो गया, लिखा गया होगा, यस या नो, क्या ये नोट हो गया, इसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं था जो कि आप लोग को रटने की आवश्यकता है, यस सर, चलिए ठीक है बुआ, क्लियर हो गया। ये क्यून गर्ल कौन है भाई, ये लगता है 11 भी पढ़ लेते हैं, 12 भी पढ़ते हैं, जनरल बायोलॉजी भी पढ़ते हैं, ये सारा क्लास करते हैं 11 12 जनरल बायोलॉजी, समझ में नहीं आता है क्या इनका टारगेट है, कहाँ तक इनको पहुँचना है। हाँ बुआ, तीनों आप करते हैं, पता नहीं आपका टारगेट क्या है,
लगता है आपका टारगेट बहुत लंबा है, बहुत ऊंचाई पर जाना है ना। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, जितना पढ़ सकते हैं जितना पढ़िएगा उतना ही अच्छा रहेगा, पढ़ने में कोई परेशानी नहीं है। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया होगा है ना। अब UPSC, अच्छा भाई, चलिए तो आज के लिए हम यहीं तक रहने देते हैं ना। बाकी इससे आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, यानी कि कल के क्लास में, यानी कि बोला जाए तो कल कौन दिन है, कॉल संडे शायद होगा है ना। तो संडे को क्लास क्लोज रहता है, ध्यान रखिएगा, यदि कल संडे तो क्लोज रहेगा, परसों से क्लास होगी है ना, और शायद कल संडे ही है, देख लेते हैं हम, एक मिनट आप लोग बता दीजिए क्या कल संडे है। यस सर, कल संडे है। चलिए ठीक है, तब हम आप लोग से मिलते हैं कब, मंडे को मिलते हैं है ना, हम आप लोग से अब मंडे को मिलते हैं, संडे कल, ठीक है बाबू। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, अब हम आप लोग से मंडे को मिलते हैं। आज के लिए सभी बच्चे को हमारी तरफ से बाय बाय, कल मिलते हैं, कल नहीं फिर परसों मिलते हैं सुबह 7 बजे।